अरे आंटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो तमीज, आप हमें मत सिखाइए तमीज। रो के रात गुजारी है यहाँ पे, दोनों गले लिपट के रोती है, अपने दुख ये इससे बताती है और ये इससे बताती है। और क्या कह सकते हैं, ऐसे तो माँ नहीं होती है जो घर से बेटी को बाहर कर देती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू रीजन, दिस सुशीत पांडे। और दोस्तों मैं बता दूं, ये दीक्षा है और ये सानिया है। अभी हम लोग साथ में ही रह रहे हैं सब लोग, एक फैमिली की तरह। और इनकी मम्मी का कॉल आया आज मॉर्निंग में कि हमें अपने बेटी से मिलना है। मिलना है क्या मतलब, लेकर जा रहे हैं ऐसे कुछ बोल रहे थे। आप जाना चाहोगे क्या उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आ रहे हैं मिलने आपसे, हम लोकेशन यहीं का दिए हैं। तो हम इधर शूट करेंगे, जो भी होगा हम तो डालते हैं, इधर शूट करेंगे, ठीक है? जो भी होगा वो क्या बोलती है क्या नहीं, आप वीडियो क्लास तक बने रहिए, देखिए जो भी होगा आप देख लेना। और कमेंट करके जरूर बताना क्या सही है क्या गलत है और कौन सही है कौन गलत है, ये भी बताना। आने दो उनको, जब इतना ही परवाह थी तो वो अपने बेटी को घर से बाहर निकालते हैं नहीं, इतनी छोटी सी बच्ची है इसको घर से बाहर निकाल दिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो आने दीजिए, क्या बोलती है देखेंगे हम लोग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कैसे मम्मी, कैसे आप? सानिया कैसे हो? घर की याद नहीं आती सानिया? घर की याद नहीं आती है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों सानिया, आपको पता है आपके पापा कितने से कितना परेशान है आपके लिए? मुझे आपसे तो ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब आप घर से बाहर किए इसे। इसका उम्र क्या है, ना समझ है, कुछ समझ नहीं है इसको, आपने घर से बाहर कर दिया। बट हम अपनी गलती सुधारने आए हैं, बच्चे को लेने के लिए आए हैं। और आप बीच में कौन हो जब मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ? बान है मेरी है, वो मेरे भाई है। बान है मेरी, तो मैं आपकी इतना दिन से आप थे कहाँ? आपके पापा हैं, आपके पापा को याद है? इसके पापा ठीक नहीं है तो आप देखो ना, आप उनकी वाइफ हो ना, आप देखो। मैं इसकी माँ भी हूँ। माँ हो आप? ऐसे तो माँ नहीं होती है जो घर से बेटी को बाहर कर देती है। ठीक है, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी किस लिए हो गई थी? गलती होती है। आप सौतेली माँ हो, उसका तो प्रूफ आपने दे दिया कि घर से इसे बाहर कर दिए। सौतेली क्या होता है, माँ माँ ही होती है। माँ माँ नहीं होती है, एक सौतेली माँ है जो आपने प्रूफ कर दिया शादी के बाद में। आप अपने औकात दिखा दी इस लड़की को, घर से बाहर कर दिए। तमीज, आप हमें मत सिखाइए तमीज। आप मुझे नहीं बताएंगे, वही ना बोल रहे हैं को लेने के लिए आई हूं। आप अपने आप कैसे रोक आप हमें तमीज मत बताओ, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगी भैया इनके साथ। सानिया, मैं आपको कह रही हूं कि आपके पापा की तबीयत खराब है, घर चलो। ये जाना चाहती है आपके साथ? थोड़ा भी जाओगे आप? ले जाओ, अगर आपकी बेटी है तो आपका कहना तो मानेंगे ही। आप बोल रहे हो हमें तमीज सिखा रहे हो, अगर आपका बिहेवियर सही रहता तो आप लेकर जा सकते हो। सानिया, मैं अपनी गलती मानती हूँ, हम घर चलो बेटा। सानिया, तुमको पता है तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, ठीक है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ अब हम गलती नहीं होगी, अब हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, कोई भी हमारी वजह से तुम्हें परेशानी नहीं। तुमको जो पढ़ना पढ़ो, तुमको जो खेलना कहीं जाना है तुम जाओ, हम कोई तुमको नहीं डालेंगे बंदिश। अरे आपने अनाथ आश्रम भेज दिया इसे, आपको पता है ना क्या होता है, सबको एक समान वहाँ देखा जाता है। ये अपने माँ को खो चुकी है, एक पिता थे उनको भी आप अलग कर दिए, बोल समझ के। उनका तबीयत खराब है तब आप उनको लेने आए हो इसको, ठीक है? हमें पता चला कहीं ना कहीं से, इसके जाने के बाद ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं वो, उनका तबीयत खराब है इसी वजह से, इसकी जरूरत है इसलिए आप लेने आए हो। लेकिन मैं मानती हूँ, ठीक है, मैं इसे गलती हुई बेटा, मैं इसे विश्वास दिलाती हूँ, घर छोड़ बेटा, आगे से कोई गलती नहीं होगी, गलती हो गई माना। ये मेरी फैमिली है, ये दोनों मेरी बहन है और मेरे साथ रहेगी, आपसे ज्यादा मैं खुश रखूंगा इनको इस मामले में। आपको ठीक है, थैंक यू बोलती हूँ कि ठीक है, आप दोनों आपने मेरे फैमिली को बचाया, इसको रखा उसको रखा संभाला। आपके जैसे ही इसके घर के चाचा इसके चाची घर से बाहर कर दिए। मेरा ये अपना नहीं है कोई सगा, पर हम सगे से भी ज्यादा अपने हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं। आप माफी मत मांगो, माफी मांगने से देखो हमें ऐसे कुछ नहीं करना है। अगर ये जाना चाहती है, आपकी ही बेटी है, इस पर पूरा अधिकार है आपका, आप लेकर जा सकते हो, ठीक है? मेरे को हम कौन होते हैं मना करने वाला, अगर आप सुधारने का मौका तो, अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग मेरे को पढ़ने नहीं देते, मैं इससे बहुत काम कराते हैं। आपसे कोई काम? क्या उम्र है इसके जो आप काम कराते हो? ठीक है, घर का काम तो सभी लड़कियां करती हैं, अगर थोड़ा, अरे बच्ची नहीं करती, आप कर सकते हो ना, सभी जो होता है थोड़ा मोड़ा काम कर लेगी, सारा काम अब इससे ही कराते थे। ये रो रो के रात गुजारी है यहाँ पे, दोनों गले लिपट के रोती है, अपने दुख ये इससे बताती है और ये इससे बताती है, कहानी खत्म नहीं होते हैं, दुखों का पुल बांधा हुआ है इन लोगों के ऊपर। सानिया बेटा ठीक है, अभी कुछ दिन हुए हैं, ये लोग खुशी की जिंदगी जी रहे हैं हमारे साथ,
हमें भी अच्छा लगता है, मेरा भी यहाँ दिल्ली में कोई नहीं है। जैसे जो इनको पसंद है हमें तो ऐसा नहीं लगता है। जो इंसान घर से बाहर कर सकता है अपने बेटी को देख लो, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे दो बच्चे को। हम अपने पास रखते हैं, हमारी बच्ची है, अगर नहीं आएगी ठीक है, हम इसको कोई, हम अपनी तरफ से इसको कोई परेशानी नहीं देंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे इस बच्चे को। और क्या कह सकते हैं हम लोग, हम तो माफ़ी मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो माफ़ी मांगने से ऐसे कर जो लेने से हर चीज़ ठीक नहीं होता है मैम, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपसे यही कह रही कि मुझे एक माँ के माम तक खो दिए हो यार, आप अपने बच्चे जैसे मान सकते हो, आपका बच्चा ही तो है, अपना लेती है आप यार। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुलह का रास्ता होता है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक किया जा सकता है। आज के पापा हैं, आज ही वापस घर पे आ जाएगी तो घर दोबारा बन जाएगा। जब उसके पापा का नहीं, खुदा ना खासा उसके गम में कुछ हो गया उनको, तो थोड़ा टाइम कभी वापस ठीक नहीं आ सकता। इसलिए मैं अपनी गलती को मान के कितनी आपसे माफ़ी मांगी, माफ़ी भेज दो बच्चे को, भेज दो मेरी बच्ची को। देख लो अगर तुम जाना चाहती हो तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिक्शा से आने बैठा घर छोड़। अगर तुम इनके साथ खुश रह सकती हो, तुम्हें ऐसा लगता है, तो हम मना भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम समझ लेंगे, हमारा साथ यहीं तक का था। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम मना नहीं करेंगे तुम्हें। नहीं भैया ये लोग फिर से काम कराएंगे। नहीं नहीं हम आपसे काम नहीं करेंगे सानी, बेटा घर चलो प्लीज, हमको जरूरत है बेटा, चलो प्लीज भैया। नहीं चलो भैया, ये रो रही है, इसका मन नहीं कर रहा है जाने के लिए, आया कैसे हम छोड़ दें, मैं भी भाई हूँ इसका, ठीक है मेरा भी फर्ज है। हाँ छोड़ो आप, नहीं नहीं जिंदगी भर रखेंगे साथ में, इसके खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप चाहोगे हम आपकी शादी, ये रो रही है, आप पढ़ाई कर लो जब। ओ हेलो, शादी हम भी कर सकते हैं इसका, अच्छे घर में करेंगे, आपसे तो कहीं बेहतर ही करेंगे, ठीक है। मैं भी अच्छे तरीके से करूंगी, डॉक्टर बनेंगे ये दोनों, देखूंगी मैं। आप पढ़ाई करो, खूब अच्छा डॉक्टर बनो, हमको नहीं। ये बनना क्या चाहती है आपको पता भी है? डॉक्टर बनना चाहती बेटी मेरी, मुझे मालूम है मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। तो आप अनाथ आश्रम भेज के इसे डॉक्टर बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं इसको ले, आप छोड़ दो इसका, चलो सने बेटा घर चलो। ये बोल रही है ना ले जाओ, अगर ये बोलेगी तो मैं मना नहीं करूंगा, पर ये बोलेगी नहीं जाने के लिए तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, चाहे आप जितनी भी ताकत लगा लो। तो मैं पहले, कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ से ले जा सकता है। मैं आपको कहती रही, एक विश्वास दिला रही, एक विश्वास पे दुनिया, हमें विश्वास मत दिलाओ, आप इससे विश्वास दिलाओ कि इसे खुद रख सकते हो। चलो ये मना कर रही है, नहीं छोड़िए इसे, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सानिया से जिद पकड़ के बस बैठो, जिद पकड़ने से तो कुछ नहीं होता ना सानिया। ये दोनों खुश हैं यहाँ साथ में रहेंगे, ठीक है। मैं उतना भी, जितना ही यहाँ पे खुश हो, उतना विश्वास दिलाती है घर पे भी खुश रहेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। जो इनको अब तक को भी कुछ अगर कमी लगती है, वो सारी इनको अब कोई कमी नहीं होगी इनको, इसके इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं लेती हूँ इसके इंश्योरेंस। जाओगे? ये तो जाने के लिए बोल ही नहीं रही है बेटी, एक मौका तो दो। चलो नहीं रहना, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, चलो अब नहीं, ये नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं, आप चले जाओ, उसे छोड़ो। देखो ये लोग मना कर रहे हैं, अगर जाना होता तो चले जाते, ठीक है, ये खुद मना कर रही है ना, मैं कुछ फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ। जाओगी आप? नहीं जाएगी, ये बोल रही है ना बेटा, ऐसे नहीं करते। चलो चलो छोड़ो, चलो नहीं, चलो जब नहीं जाना है तो। आंटी नहीं जाएगी, ये मना कर दी ना, अगर बोलती तो हम जाने देते, ठीक है। सानिया मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा, आपको मैं बता तो रही हूँ, मैं मौका नहीं दूंगी आगे, प्लीज कुछ तो समझ के कर लो, कि माँ ने पापा ने खाते तो चल लो कम से कम। मम्मी प्लीज रो मत, क्या करूँ बेटा मैं, अब मेरे हाथ में तो और कुछ है भी नहीं। एक ये था कि चलो ठीक है, मैं उनसे बात, आप भैया आप समझा के देखो ना, मैं क्या करूँ बताओ। भैया प्लीज बोलो, रोए ना, मत रो, इसके दिल में आपके लिए प्यार है अभी भी, ठीक है। पापा के लिए तो है ना, घर तो चलो, क्या कर सकते हैं। अरे आंटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो मत। चलो गए मैडम, पापा बहुत याद करते हैं आपको, मुझे मुझसे उसकी ऐसी हालत में देखे जाते हैं। देखो रो मत परेशान बेटा, तू जाना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तू अगर चाहती है तो कुछ दिन के लिए चला जा, 2005 रो तू जा, देख ले अपने पापा से मिल ले, अगर ये लोग सही से तुम्हें रखेंगे तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मेरा फ़ोन लेके तू जा, ठीक है, ये वाला फ़ोन लेके जा और कॉल करना, मेरा पासवर्ड पता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर इनके वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर, उसी टाइम हम आएंगे तुम्हें लेकर जाएंगे, तू रह लेगी ना इसके बगैर, हैं जाने दे, इसका मम्मी पापा का तो प्यार मिल रहा है ना।
जानी है तब क्या ख्याल रखती हो, और अगर ये लोग कुछ भी कहे तो सीधा हमें कॉल करना। हाँ सीधा कॉल करना, हम लोग उसी टाइम आएंगे, ठीक है? टेंशन मत ले बहन, साथ हैं हम तुम्हारे, ठीक है? ये ले फोन, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना तू हमें, ठीक है? आंटी आपके विश्वास पे जाने दे रहे हैं, आपका आंसू नहीं देख पा रहे हैं इसलिए, ठीक है? नहीं तो हम जाने नहीं देते। आप जाओ लेकर, अगर आप अपने बेटी की तरह मानोगे तो ये फिर कभी हमें याद नहीं करेगी, हम कभी कभी आएंगे मिलने, ठीक है? आप उतना ही प्यार दो जितना आप अपने औलाद को देते हो, ठीक है? कभी भी आप, ठीक है, ये आपको ऐसी ऐसी आएगी, ऐसी खुशी मिलेगी, ठीक है? ले जाओ, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद, बाय सानिया, ख्याल रखिए।